हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्राई करेंगे रवा इडली, जो कि बहुत इजी होता है। बट फिर भी लोगों को लगता है कि इडली बनाना है, सोच के ही डर लग जाता है। बट ये बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप जैसा सूजी लिया है। 1 कप आपको चाहिए कर्ड, जो कि है दही। यहाँ पे सॉल्ट, बेकिंग सोडा और वाटर। बेकिंग सोडा हम बाद में डालेंगे, अभी हम यूज़ करेंगे रवा, यानी कि सूजी, कर्ड और सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे मैं, चलिए अब मिक्स करते हैं। ये डाली मैं सूजी, इसमें जाएगा ये कर्ड, अब जाएगा सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून, नहीं तो आप अपने स्वाद से डालें। और फिर इसमें जाएगा पानी, पानी हम नाप के डालेंगे। पानी का क्वांटिटी होगा 2 कप। पहले हम 1 कप को, एक ग्लास पानी को अच्छे से मिलाएंगे, फिर हम दूसरा डालेंगे। इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, 1 ग्लास पानी जो मैंने डाला था उसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब हम डालेंगे दूसरा कप पानी का। अब इसको भी मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये दूसरा कप भी पानी डाल के मिला लिया है। ये आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं कितना होना चाहिए। अभी इसको हम फूलने के लिए रख देंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए इसको हम फूलने के लिए रख देंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी इसको ढक देते हैं और इसका वेट करते हैं। तब तक मैंने इधर अपने लिए चाय बना रखा है, चाय पी के आती हूँ। तब तक मैं इडली का बैटर रेडी हो जाएगा, फिर हम चौका लगाएंगे। तो आधा घंटा हो गया है रवा को भिगोए हुए, तो देखते हैं। ये देखिए, ये फूल के अब इडली बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे राई और कड़ी पत्ता और हींग का छौंका, और उसके बाद फिर हम डालेंगे 1/2 स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, खाबड़ सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब हम छौंके की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने गैस पे डब्बों को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे, राई डालेंगे, हींग डालेंगे और करी पत्ता डालेंगे। तो ये गर्म हो चुका है, फ्लेम को लो कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी तरह का तेल यूज़ कर सकते हैं। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं, ज़्यादा तेज फ्लेम ना रखें। तो ये गरम हो चुका है, अब हम थोड़ा सा हींग डालेंगे चुटकी भर, बस इतना काफ़ी है। इसके बाद हम डालेंगे राई। राई क्रैक होने लगा है। इस टाइम पे आप गैस को बंद कर दें, नहीं तो राई पूरी जल जाएगी। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। ये देखिए, ये क्रैक हो चुका है। अब इसमें डालते हैं इतना कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को थोड़ा अच्छे से फ्राई होने दें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा। अगर आपको लगता है आपका तेल ठंडा हो गया है और कड़ी पत्ता फ्राई नहीं हो रहा है, तो आप वापस से गैस को ऑन कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा इसको फ्राई होने देना है। ये रेडी हो गया है। सारे राई क्रैक हो गए हैं और कड़ी पत्ता भी फ्राई हो गया है। अब इसको हम अपने सूजी वाले बैटर में डालते हैं। डाल के इसको मिला लेते हैं। ये देखिए, मैंने मिला लिया है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे ये बेकिंग सोडा और फिर इसको
एक तरफ ही मिलाना है ताकि इसमें एयर आ जाए। ये मैंने बेकिंग सोडा डाल के भी इसको मिला लिया है। अब इडली का स्टैंड रेडी करते हैं। तो मैंने अपना इडली स्टैंड निकाल लिया है। इधर मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा है ताकि जब तक हम इडली स्टैंड को फिल करेंगे तब तक ये पानी में हल्का बॉईल आ जाए। अब हम इसे ढक देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इडली स्टैंड को हम ग्रीस करते हैं। तो मैं एक इडली स्टैंड आपको दिखाती हूँ कैसे ग्रीस करना है। ये मैं ले रही हूँ घी। घी लेके थोड़ा थोड़ा इस पर डालते जाइए। ये डालने के बाद इसको हाथों से ऐसे ऐसे करके मिलाना ताकि ये चारों तरफ अच्छे से ग्रीस हो जाए। ऐसे ही मैं सारे में कर लूँगी। तो ये मैंने सारे स्टैंड को ग्रीस कर लिया है। अब हम ये वाला इडली बैटर इसमें डालते हैं। पूरा ना भरे क्योंकि ये जब स्टीम होता है तो ये ऊपर आएगा, इसलिए पूरा ना भरें। दो दो स्पून काफ़ी है। ये मैं भर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इडली बैटर को इडली स्टैंड में डाल दिया है। अब हम इसको एक के ऊपर एक डालते चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे मैंने पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा कम भरना है ताकि जब ये स्टीम हो और ये बढ़े तो ये बाहर ना आए। उसके बाद इसका जो नट है ये यहाँ से लगा देते हैं, इसे पकड़ने में इजी रहता है। ये है वो, ये बचा हुआ इडली बैटर ये मैं नेक्स्ट स्लॉट में डालूँगी। इससे हार्डली दो इडली बन पाएंगे, दो या वन एंड हाफ ही बन पाएंगे। बाकी इसको अभी हम इधर इडली वाले में डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टीम आने लगा है। अब ये पानी भी हो गया है, इसमें हम ये इडली वाला डाल देते हैं। केयरफुली डालें क्योंकि हल्का सा ये गर्म है। ठीक है, ये चला गया। अब इसको करते हैं हम कवर। यहाँ पे फ्लेम मीडियम है, मीडियम पे इसको अराउंड 15 टू 20 मिनट्स हम इसको स्टीम करेंगे। बीच बीच में आके देखते रहें ये बन रहा है या फिर ऐसा ना हो कि आपका फ्लेम तेज़ हो जिसके कारण पानी नीचे कम रहे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 15 मिनट मिनिमम इसको स्टीम करने में लगता है। तो हम अब आएंगे वापस 15 मिनट बाद। अब चेक करते हैं इडली बन के रेडी हो गया होगा। गैस को ऑफ करते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब चेक करते हैं ये पका है या नहीं। उसके लिए हमें एक नाइफ की ज़रूरत होगी, वो देखते हैं। तो ये देखिए अब चेक करते हैं। ये नाइफ लिया मैंने, ये देखिए ये अभी रेडी है, क्लीन आया है, ये रेडी है। अब इसको थोड़ी देर इसको ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। ये देखिए इडली बन के रेडी है। घबराइए नहीं, ये जो हल्का हल्का आया है ये जो ऊपर का प्लेट रखा था उसमें स्टीम के कारण जो हल्का वाटर बना होगा वो गिरा है। जब हम इसको निकालेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तब ऐसा नहीं दिखेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा और स्टिकी भी नहीं रहेगा। तो ये दो तीन मिनट हो गया है, मैंने एक निकालने का ट्राई किया है और देखिए कितना स्मूथली ये निकल आया है। इसको यहाँ हॉटकेस में डाल देते हैं। ये देखिए अब दूसरा निकालते हैं, देखिए कितना आसानी से निकलेगा ये। कितना आसानी से देखिए, ऐसे ही हम आप
आप सब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना शानदार इडली रेडी हुआ है। यहाँ पे मैंने बचे हुए बैटर को भी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है ऊपर वाले स्टैंड में। इसे भी हम डाल देंगे इडली स्टैंड में ताकि ये भी स्टीम हो जाए। इसको मुझे लगता है अराउंड 10 मिनट्स लगने चाहिए। अब बीच बीच में आके देखते रहिए कि कैसा हो रहा है। और इसको मैंने ढक दिया, गैस को चालू कर देंगे। गैस हो गया चालू, इसको फ्लेम को सिम पे रखेंगे, सिम नहीं मीडियम पे रखेंगे। और ये देखिए अब हम आ गए अपने इडली पे। ये देखिए कितना सॉफ्ट, कितना सुंदर, कितना बेहतरीन बना है। इसको तोड़ के देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना टेस्टी है। अब इसका प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने प्लेटिंग कर लिया है इसको, इसको मैंने सांभर के साथ प्लेटिंग किया है। आइए देखिए कितना सॉफ्ट बना है, टेस्ट करते हैं। इसके लिए ना तो आपको मिक्सी की ज़रूरत है, ना तो आपको राइस को भिगोना है, उड़द दाल भिगोना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ रवा, कर्ड और पानी की मदद से हमने ये बनाया है। बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ा सा छौंका लगाया है। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेक। आपको सिर्फ 10 मिनट किचन में टाइम स्पेंड करना है। जब आप रवा को भिगो रहे हैं आप अपना आधा घंटा कुछ और भी काम कर सकते हैं। वेरी इजी टू मेक, प्लीज़ ट्राई एट होम एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो और नॉट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू।